टीसा टेक क्वीन ऑफिशियल। दोस्तों इस चैनल के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। दोस्तों ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए फिर से दोबारा से इस दुनिया में आ सकती हैं और जिंदा हो सकती हैं। दोस्तों वो कैसे हो सकती हैं, इसके लिए हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जो कि ये अभी भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। दोस्तों इनका एक चैनल है टीसा टेक क्वीन ऑफिशियल। दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जो बहुत ही कम समय में बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा था, और दोस्तों ये बहुत ही जुनून के साथ अपने चैनल पे काम कर रही थी। दोस्तों दोस्तों उसी टाइम में कुछ इनके साथ एक अनहोनी होती है। दोस्तों उस अनहोनी में इनकी जान चली जाती है और ये इस दुनिया से गुजर जाती हैं। दोस्तों इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि ये सारा एफर्ट अपने बच्चों के लिए ही कर रही थी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि यूट्यूब चैनल पर पूरे जोश के साथ पूरे जुनून के साथ दोस्तों ये ग्रो कर रही थी, क्योंकि दोस्तों इनके पास कोई जॉब तो थी नहीं, क्योंकि दोस्तों YouTube चैनल बनाया और उसी के माध्यम से जो अर्निंग हो रही थी उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि इनके हस्बैंड से तो बन नहीं रही थी, तो ये अपने मायके में रह रही थी और अपने मायके में रह के ही YouTube चैनल के माध्यम से अर्निंग करके ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी और आगे बढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि इनके जो हस्बैंड थे, इनकी दो पत्नियाँ थी, तो ये जो टीसा टेक क्वीन है यानी कि आशा मलिक जी हैं, ये दूसरी पत्नी है। लेकिन दोस्तों फिर आशा मलिक जी को पता चला कि इनके हस्बैंड तीसरी शादी करने वाले हैं और इसके बारे में इनको खबर मिली, तो ये अपने मायके चली गई इसके बारे में जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए गई, तो वहाँ पे कुछ कहासुनी हुई और इनके हस्बैंड ने इनको डंडे से मारा, और जैसे ही डंडे से मारा तो ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गई और फिर ये एक्सपायर हो गई। दोस्तों फिर दोस्तों इनके हस्बैंड ये कारनामा करने के बाद फरार हो गए, और जब ये फरार हो गए तो इस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे पावर दिखाया फिर यूट्यूबर्स ने, जब यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, जो कि हमने भी वीडियो बनाया हुआ था। तो दोस्तों इंसाफ के लिए ही वीडियो बनाए थे कि इनके हस्बैंड जहाँ कहीं भी हों और पकड़े जाएँ और उनको सजा मिले। दोस्तों इसीलिए हमने भी एक वीडियो बनाया था और हमारी टेक फैमिली में सभी ने सपोर्ट किया, सिर्फ दो बंदों ने सपोर्ट नहीं किया, जिसको गुरु माना जाता है यूट्यूब का, दोस्तों मनोज दे। आप मनोज दे को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि इन्होंने वीडियो नहीं बनाया आशा मलिक के ऊपर, यानी इनके बारे में कोई भी, ना ही कोई कम्युनिटी पोस्ट करी, ना ही कोई वीडियो बनाया, ना ही कोई शॉर्ट बनाया, कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और दूसरे पर्सन है टेक्निकल योगी, फ्रेंड्स इन्होंने भी आशा मलिक के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो दोस्तों हर एक जगह सिर्फ अर्निंग की ही बात नहीं होती है फ्रेंड्स, कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है जहाँ पे अर्निंग क्या अपने पास से भी पैसा लगाना होता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने भी आशा मलिक जी के टॉपिक पे जो वीडियो हमने बनाया था, वो पूरा वीडियो 18 मिनट का लॉन्ग वीडियो बन गया था, क्योंकि उसमें हमने अपनी सारी फीलिंग्स उसमें बताई हुई थी। वो वीडियो सिर्फ हम अर्निंग के लिए या वीडियो हमारा वायरल हो, इसलिए हमने वो वीडियो नहीं बनाया था। क्योंकि दोस्तों मुझे उस पर वीडियो बनाना था, क्योंकि उस पर कार्रवाई हो और उसके बारे में दुनिया जाने और उसके उस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था, क्योंकि हमको कॉपीराइट का डर नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आया तो सिर्फ एक आएगा, लेकिन हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक जब तक तीन नहीं आते हैं तब तक हमारा चैनल डिलीट नहीं हो सकता है। और आज तक हम अपने चैनल पर कोई भी गलती नहीं की है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ हमने जो आशा मलिक जी का वीडियो बनाए थे, सिर्फ हमारे टेक कैटेगरी के खिलाफ सिर्फ यही एक वीडियो हमको लग रहा था कि ये हमारा जो इसकी दिशा है ये टेक कैटेगरी से मैच नहीं कर रही है, लेकिन हमने फिर भी ये वीडियो बनाया था फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों आशा मलिक जी को इंसाफ मिलना चाहिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो दोस्तों इस वीडियो पे हमारे कॉपीराइट आ गया, लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस वीडियो को हम डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से हमारा अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको दिख तो रहा ही होगा, जो टीसा टेको मैम का जो चैनल है सिर्फ उसी पर रेड आइकन दिख रहा है, डॉलर वाले आइकन पे, और एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था और उस पर येलो डॉलर शो हो रहा है। तो दोस्तों आज तक हमने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ दो हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, जो कि अभी तक हमने सिर्फ दो वीडियो बनाए हैं, जो कि एक हमने ऐसे पर्सनली बना के डाल दिया था और उस वीडियो से तो कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों टीसा टेक मैम से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी येलो डॉलर शो हो रहा है, और जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया था उस पर रेड कलर का डॉलर शो हो रहा है, यानी कि रेड कलर का डॉलर यानी कि डेंजर होता है, जो कि उस पर कोई भी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे तो दोस्तों आने वाली ऑडियंस कैसे जानेंगे कि टीसा टेक मैम कौन थी और ये क्या थी, कैसे कर रही थी, ये सब चीज़ें जानना है सभी को। तो दोस्तों क्योंकि जो मोड़ टीसा मैम के साथ आया, जो ऐसा हादसा हुआ टीसा टेक मैम के साथ, हो सकता है दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो, हमारे साथ भी ऐसा हो। तो दोस्तों अगर आज हम वीडियो इस पर नहीं बनाएंगे तो क्या कोई आपके लिए कोई वीडियो बनाएगा?
आपको कोई इंसाफ दिलाएगा। तो दोस्तों अगर आज हम किसी को इंसाफ दिला रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आपको भी इंसाफ मिले। तो दोस्तों हमारी जो YouTube की टेक कैटेगरी की फैमिली है दोस्तों उसने पूरा फुल सपोर्ट किया, सिर्फ दो बंदों ने नहीं किया जो कि हमने बताया हुआ है आपको। फ्रेंड्स उस टाइम पे हमने देखा दोस्तों मनोज दे ही एक ऐसे पर्सन थे जो अदर एप्स के प्रमोशंस पे प्रमोशंस किए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों क्या हुआ वो ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया तीसरा टेक मैम के से रिलेटेड। दोस्तों बनाना चाहिए था, नहीं बनाया तो अलग की बात, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों अगर वो नहीं बनाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या हम और आप दूर नहीं है। अगर छोटे छोटे क्रिएटर्स भी साथ दे देंगे ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ आज 2000-3000 ऑडियंस है, आपके साथ 2000-3000-5000 ऑडियंस है, ये ऐसे ऐसे करके हम पूरे वीडियो को वायरल करके दोस्तों एक ट्रेंड बना सकते हैं और सभी तक ये बात पहुंचा सकते हैं दोस्तों। खैर छोड़ो फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि तीसरा टेक मैम के लिए हम लोग मदद क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मदद आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आसा मलिक मैम जो थी वो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके चली गई हैं। दोस्तों हम लोग मिल के अगर तीसरा टेक मैम को अगर सपोर्ट करें तो दोस्तों बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि तीसरा टेक मैम के ना होते हुए भी तीसरा टेक मैम के जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं जो कि अभी तो मासूम हैं। फ्रेंड्स उनके परवरिश के लिए पैसों की ज़रूरत है, और पैसों के लिए ज़रूरत है तो दोस्तों अभी सिर्फ क्या करना है कि जो नॉलेज आप बाहर से ले रहे हैं फ्रेंड्स वो नॉलेज सिर्फ आप तीसरा टेक मैम के वीडियो ही देख के आप वो नॉलेज लीजिए। अगर वहाँ पर वो वीडियो नहीं मिलता है फ्रेंड्स फिर आप अदर लोगों की वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों अदर लोग तो अपने चैनल को ग्रो कर ले जाएंगे क्योंकि वो रेगुलर है अपने चैनल पे। और दोस्तों YouTube की कुछ गाइडलाइंस ऐसी होते हैं कि अगर रेगुलर कंटेंट नहीं आता है तो उसका रीच डाउन होता जाता है और वो फिर धीरे धीरे चैनल डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ऑडियंस उनके वीडियो देखेगी तो दोस्तों जब ऑडियंस उनके वीडियो देखती रहेगी तो उनके वीडियो रैंकिंग में जाते रहेंगे, और जैसे ही उनके वीडियो रैंकिंग में जाते रहेंगे तो उनका जो चैनल है वो एक्टिवेट ही रहेगा हमेशा, कभी डेड नहीं होगा। तो दोस्तों इनके चैनल को आसमान छुआना है, क्योंकि दोस्तों आसा मलिक मैम का जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 10 दिन हो चुके हैं, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनके चैनल पे लगभग 33,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, अगर आज की डेट में देखा जाए तो 39,000 प्लस सब्सक्राइबर है। दोस्तों तीसरा टेक मैम को हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और सभी लोगों ने सपोर्ट किया दोस्तों, इसीलिए इनके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और इनके वीडियो अभी भी रैंकिंग में हैं। लेकिन दोस्तों आपको अभी रेगुलर होना है फ्रेंड्स, आसा मलिक मैम के चैनल को प्रमोट करना है, अगर आप इनके चैनल को प्रमोट करते रहेंगे तो इनके बच्चों की परवरिश के लिए प्रबंध होता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके वीडियो देखना है और इनके वीडियो अगर आपको जो भी यूजफुल लगता है वो शेयर करना है। दोस्तों इससे क्या होगा कि इनके चैनल का एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जाएगा, और इनके चैनल का जब एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जाएगा तो लोग इनके वीडियो को देखेंगे, जब इनके वीडियो को देखेंगे तो पैसा क्रिएट होगा आसा मैम मलिक के अकाउंट में, और उससे उनकी फैमिली को मदद मिलेगी फ्रेंड्स, उनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो पाएगी और अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकते हैं, और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सकती है। तो दोस्तों आपको रेगुलरली थोड़ा सा आपको एफर्ट देना है कि अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप हमारा वीडियो ना देख के आप आसा मलिक मैम का वीडियो देखिए और उसमें से सीखिए, अगर वहाँ पर कोई आपका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आप अदर वीडियो देखिए। तो दोस्तों आसा मलिक जी इस दुनिया में तो नहीं है और दोबारा से तो नहीं आ सकती है, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश के लिए समझ लीजिए कि आसा मलिक जी अभी भी इस दुनिया में हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक इनका चैनल है जब तक इनके वीडियोज हैं और कोई इनके वीडियोज के साथ अगर कोई छेड़खानी नहीं किया किसी ने तो दोस्तों इनके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, क्योंकि हम लोग तो सपोर्ट करेंगे तो इनके वीडियोज चलेंगे और इनका चैनल रैंक करेगा, और चैनल रैंक करेगा फ्रेंड्स तो पैसे आएंगे तो इनकी फैमिली को मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये एक तरफ से ये समझ लीजिए कि आसा मलिक मैम इस दुनिया में अभी हैं और ये अपने फैमिली का अभी भी सपोर्ट कर रही, इस दुनिया में नहीं है ना होते हुए भी अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों यही जानकारी आपको बतानी थी, आई होप आपको ये जानकारियां समझ में आ गई होगी कि आप आसा मलिक मैम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आसा मलिक मैम की वीडियोज देखना है, और जो ये हमारा वीडियो है इसको भी अगर आप प्रमोट करेंगे आप शेयर करेंगे तो अन्य लोग जो हैं इसके बारे में जान जाएंगे कि आसा मलिक मैम कौन है और क्या थी और इनके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारा भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आसा मलिक मैम का तो वीडियो जरूर ही जरूर शेयर करना है, जिससे कि और भी लोग समझ सकते हैं कि आसा मलिक मैम का सपोर्ट किस टाइप से किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, आई होप आपको ये जानकारियाँ समझ में आ गई होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।